नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज शनिवार का दिन है और शनि देव के बारे में बात करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हैं सिद्धांत सहगल साहब, एक्सपर्ट हैं शनि देव के मामले में। सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धांत जी, ये बताएं, आज पूरे देश में खास तौर पर हमारे हिंदू सत सनातन धर्म के लोग ये मानते हैं कि शनि देव न्याय के देवता हैं। जो कर्म करते हैं उनका दंड देते हैं, जो हम अच्छा करते हैं उसका भी और बुरा करते हैं उसका भी सारा लेखा जोखा शनि देव रखते हैं। और कुछ लोग, कुछ ज्योतिष, कुछ तांत्रिक इस बहकावे में लोगों को डराते हैं कि आपको शनि का धैया है, आपको शनि का सारे साथी है, आप इस ये कर्म कीजिए तो आपको मुक्ति मिलेगी, ये कीजिए तो आपको छुटकारा मिलेगा। आखिर ये क्या सच्चाई है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्कार। शनि की साढ़े साथी, शनि का ढैया या शनि की महादशा, ये सत्य है, ये झूठ बात नहीं है। लेकिन बहुधा ये होता है कि शनि की साढ़े साथी न भी चल रही हो तो कह देते हैं कि चल रही है, ढैया ना भी चल रहा हो तो कह देते हैं चल रहा है। ये तो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि शनि न्यायाधीश है। ये जो बात फैल गई है, मैंने जहां तक ख्याल किया पिछले 10-15 सालों से ये बात कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गई कि शनि देव न्यायाधीश है, शनि देव न्याय करते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह सिरे से गलत है। शनि देव न्यायाधीश नहीं है, शनि देव न्याय के कारक नहीं है, शनि देव दंडाधीश हैं, यानी शनि देव दंड देते हैं। इस कारण से शनि देव जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के, यानी न्याय प्रक्रिया के अंग हो सकते हैं, अंग हैं, हो नहीं सकते, वो अंग हैं। जैसे एक अदालत में किसी अपराधी का फैसला जज साहब करते हैं, यानी उसको किसी अपराधी को फांसी की सजा अगर जज साहब देते हैं, तो जो जल्लाद है जो उस अपराधी को फांसी पे लटकाता है वो शनि का कारक है, वो शनि का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। लेकिन आप यहां सूक्ष्म बात यह समझिए कि वो जल्लाद ने न्याय नहीं किया है, जल्लाद ने सिर्फ आए हुए आदेश का, आदेश का पालन किया है। यहां कारक के हिसाब से आपको समझना होगा कि शनि देव जो है भृत्य के कारक होते हैं, यानी सेवक के कारक होते हैं, शनि देव नौकर के कारक हैं, नौकरी के कारक है, शनि देव दुख का कारक है, शनि देव मृत्यु के कारक हैं, लेकिन शनि देव न्याय के कारक नहीं है। जिस तरह सेना, आर्मी, पुलिस मंगल को रिप्रेजेंट करती है, यानी मंगल का कारक होती है, लेकिन सेना में जो अनुशासन होता है वो अनुशासन शनि की वजह से होता है, यानी शनि देव अनुशासन का कारक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको शनि देव को सेना का कारक हम बता दें। ये सूक्ष्म अलगाव करना होता है चीजों को। ठीक है। एक और जो भ्रांति है लोगों में, चाहे तांत्रिक या ज्योतिष के द्वारा कह लीजिए या जहां से भी आया हो, कि लोग कहते हैं कि आपको शनि के कारण ये परेशानी हो रही है, इसका अगर आप उपाय कर लेंगे, जैसे कई जगह कहा जाता है कि आपके वजन के बराबर का आप धातु दान में दीजिए, अनाज दान में दीजिए, या क्या कीजिए क्या ना कीजिए, इसके बारे में आप दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट करने का। देखिए, दान की अपनी एक अलग महत्ता है। समाज में गरीबों के लिए कुछ दान करना, उनकी मदद करना, ये शनिदेव का उपाय हो सकता है भी। वैसे भी समाज के लिए अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो समाज हमें प्रतिदान में कुछ अच्छा ही देता है, ये तो एक सिंपल सा रूल है दान के पीछे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दान कर देंगे या कोई पूजा कर देंगे तो जो कष्ट आने वाले हैं वो पूरी तरह नलीफाइड हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जन्म कुंडली में अगर कोई कनेक्टिविटी बन रही है, जो प्राप्ति आपको होनी है वो प्राप्ति होकर रहती है। शनि देव के ताप से या शनि देव के द्वारा दिए हुए कष्टों से अगर बचना है तो एक इंसान को, एक व्यक्ति को सबसे बढ़िया उपाय जो है वो ये है कि वो किसी लेबर का जायज हक ना मारे, किसी से काम करवाया है तो उसका जायज पैसा उसको दे, किसी गरीब को सताए नहीं, गरीबों की सेवा करे, अपाहिजों की सेवा करे। अगर उसको शनि देव से प्रॉब्लम हो रही है शनि की साढ़े साथी की वजह से, तो शनि की साढ़े साथी का सबसे बेहतर उपाय है अपाहिज, अपंगों, हैंडीकैप व्यक्तियों की सेवा करना, या ब्लाइंड है जो, उनकी सेवा करना।
ये सबसे बेहतर उपाय है। और किसी का जायज हक ना मारना और किसी को तकलीफ ना देना, अगर ये काम करते हैं तो फिर आप कितने भी उपाय करते रहें आप बचेंगे नहीं। एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास आकर ये नहीं कह सकता कि मैंने फलाने व्यक्ति का खून कर दिया है, अब आप मुझे उपाय बता दीजिए और मैं इससे बच जाऊं, ये नहीं हो सकता। ये कर्म फल है जो आपको मिलना ही है। गलत किए हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी ही, बिल्कुल। ये अगर अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, यही चीज हर कोई जानता है। अब हमारे दर्शक को थोड़ा आप ये स्पष्ट करने का काम करें कि वो अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, लाभप्रद बनाने के लिए और परेशानियों से दूर रखने के लिए ऐसा क्या करें ताकि चाहे शनि देव न्याय का देवता हो या दंड का देवता हो, उन्हें वो दंड ना मिले। शनि देव का दंड से बचने के लिए आम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कर्मों के फल को चक्र को अगर हम समझेंगे तो हम अगर अपने जीवन को खुद अध्ययन कर पाए तो हम ये पाएंगे कि आज मिलने वाली जो तकलीफें हमें हैं इसके पीछे हमारा ही कोई ना कोई ऐसा कर्म था जिसकी वजह से आज हम परेशान हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर अपने आचरण को सही रखता है, और बड़ा सिंपल सी बात है जो मैंने पहले कही कि किसी का जायज हक ना मारे, किसी का हक छीने नहीं, किसी से काम करवा के उसकी उजरत देने से इनकार ना करें, समाज को अपना दुश्मन ना बनाए, क्योंकि आप जितने लोगों के साथ ऐसा करेंगे धीरे धीरे समाज में आपके विरोधी आपके शत्रु ज्यादा होते चले जाएंगे। जब आपके समाज में शत्रु ज्यादा हो जाएंगे तो आप कैसे सुखी रह सकते? कैसे सुखी? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल ही मिलेगा, ये हर कोई बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, लेकिन इसको उलझा के बहुत सारे लोग डरा देते हैं, लोगों को शनि के नाम पे डराते हैं। डरना नहीं चाहिए आपको, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अगर सीधे से शब्दों में कहें तो आप अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छा काम कीजिए, दान पुण्य कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जीवन सुगम होगा। सहगल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।